कल पेपर नहीं होगा। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत कल होने वाले तमाम इम्तिहानात मुल्तवी। इम्तिहानात तकनीकी वजूहात की बिना पर मुल्तवी किए गए। इम्तिहान की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया डीएचए स्टेट्स एजेंट के इंतखाबात की गहमा गहमी। अलखिदमत ग्रुप की जानिब से ईएमई फेज 12 में मीटिंग का अहतमाम। उम्मीदवार बराए सदर मियां तलत कहते हैं रियल स्टेट के शोबे में बेहतरी के लिए काम करेंगे। टैक्सेस और ओवरसीज की प्रॉपर्टीज से मुतल्लिका मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सीएसएस इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इम्तिहानात आइंदा साल 14 फरवरी से शुरू होंगे। उम्मीदवार 12 दिसंबर तक दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। एहतजाज और स्याह पट्टियां काम कर गईं। असातज़ा की तरक्कियों का अमल शुरू। पहले मरहले में असातज़ा को प्रमोशन ट्रेनिंग करवाई जाएगी। महकमा तालीम ने तरबियती सेशन का स्केड्यूल जारी कर दिया। बिजली चोरों को पकड़ो इनाम मिलेगा। वजारत पावर डिवीजन ने अफसरान और मुलाजमीन को इनाम देने का ऐलान कर दिया। नेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज के सीईओज को हदायत जारी। रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। पेंशन और दीगर वाजिबात की अदायगी अब जल्द मुमकिन होगी। आईजी पंजाब ने रिटायर्ड मुलाजमीन के मामला देखने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में सजा अदबी मेला इख्तिताम पजीर। तलबा के माबैन उर्दू इंग्लिश तकारीर पंजाब टाकरा और मुसवरी के मुकाबले करवाए गए। मुकाबले जीतने वाले तलबा को 30,000 के कैश इनामात से भी नवाजा गया। और यूनिक ग्रुप के जेर एहतमाम सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। रेस एरोबिक्स मार्शल आर्ट्स और दीगर खेलों के मुकाबले। क्रिकेटर फखर जमान ने जीतने वाले तलबा में मेडल्स तकसीम किए।